हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो के माध्यम से हम जानेंगे होम्योपैथिक दवा फॉर पैनिक अटैक। पिछली वीडियो को जहाँ मैंने खत्म किया था, वहाँ हमने जाना था पैनिक अटैक की कॉज के बारे में, उसके सिम्टम के बारे में, और होम्योपैथिक का क्या अप्रोच है। आज के स्टूडियो के माध्यम से हम जानेंगे होम्योपैथी में कुछ दवा जिसका काफ़ी अच्छा एक्शन है पैनिक अटैक पे, उस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक दवा से स्टार्ट करूंगा, यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दवा, फिर इसके कंटिन्यूस सीरीज में मैं इसके दूसरी दवाओं पे चर्चा करूंगा, क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा कि जो उसके सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो आज का वीडियो रहने वाला है एकोनाइट पे। एकोनाइट पे मैंने पिछले वीडियो में कुछ उसके मेंटल सिम्टम पे बात किया था, बट आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें मैं उसको इलाबोरेट करने वाला हूँ, यानी कि एकोनाइट और एकोनाइट में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं उस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और होम्योपैथी क्या क्या मिरेकल है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो होम्योपैथिक दवा है वो है एकोनाइट। एकोनाइट के बारे में एक जो पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि जहाँ भी इंटेंसिटी हाई रहती है वहाँ एकोनाइट सबसे पहले सामने उभर के आता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, अचानक अगर आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो वहाँ पर हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। तो मैंने इस मेडिसिन के जितने जो मेंटल सिम्टम थे, मेंटल सिम्टम को निकाले हैं और उस पॉइंट को मैंने नोट किया, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूट जाता उससे इस मेडिसिन का जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है। सो मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं उसके माध्यम से मैं आपको एकोनाइट के मेंटल सिम्टम के बारे में बताऊँगा। तो एकोनाइट के जितने सिम्टम थे, मेंटल सिम्टम थे, उसको मैंने डिफरेंट बुक से, सॉफ्टवेयर की मदद से एक जगह उसको कलेक्ट किया है। उसको मैं एक फेयर पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लोगों को पता होना चाहिए, एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं एकोनाइट के मेंटल सिम्टम पे। तो सबसे जो पहला सिम्टम है जिसके लिए एकोनाइट काफ़ी ज़्यादा चर्चित मेडिसिन है वो है फियर एंड प्रेडिक्टिंग डेथ। डर तो एकोनाइट के पेशेंट में बना ही रहता है, उसके साथ साथ डेथ को भी ये प्रेडिक्ट करता है, यानी कि इस समय मर जाऊँगा ऐसा इस पेशेंट की भावना रहती है अंदर से, उसकी ये फीलिंग रहती है, वो डेथ को भी प्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है कन्विंस दे विल डाई, वो आपको कन्विंस कर लेगा, इसका जो पेशेंट होगा आपको कन्विंस तक कर लेगा कि वो मरने वाला है, आपको भी एक समय लगेगा कि सही बोल रहा है कि ये सही में अभी मर जाएगा। प्रेडिक्ट द टाइम, यहाँ तक कि टाइम भी आपको बताता है कि इस समय मैं मरने वाला हूँ। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी मैंने चर्चा पिछले वीडियो में किया था कि प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाओं को लगता है कि वो मर जाएंगी, ऐसी जहाँ फीलिंग आती है वहाँ पे इस मेडिसिन को सोचा जा सकता है। और लेबर, यानी कि जब महिलाएं बच्चे को डिलीवर करने वाली होती हैं उस समय उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि बच्चे का क्या होगा, उनका क्या होगा, क्या वो जीवित रह पाएंगी, तो ऐसे कंडीशन में भी एकोनाइट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सिम्टम है जो कि फियर से ही रिलेटेड है, फियर ऑफ क्राउड, यानी कि भीड़ में जाने से डर लगता है इस पेशेंट को। ये पेशेंट जब भी भीड़ में जाता है तो वहाँ इसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी अनुभव होने लगती है, वहाँ से वो भागना चाहता है। नैरो प्लेसेस, जो भी एक पतली गली हो, गली में अगर जा रहा हो, गली काफ़ी पतला हो, तो वहाँ भी उसको डर लगता है। जैसे कुछ टनल होते हैं, टनल में जाने पर भी इस पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा उसको वहाँ पर डर महसूस होता है। और ओपन स्पेस, खुली जगह पे भी इस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है। फियर ऑफ क्राउड को मेडिकल टर्म में क्लॉस्ट्रोफोबिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसका जो फियर का है डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ हो सकता है, अंधेरे से इस पेशेंट को डर लगता है। और ये सिम्टम डार्कनेस वाला खासकर देखा जाता है जो बच्चे 2 से 5 साल की एज के होते हैं, 2 से 5 साल की एज के बीच में ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है बच्चों में, तो वहाँ भी इसको सोचा जा सकता है। अगर ये प्रॉब्लम बड़ों में डेवलप होती है, एल्डर पर्सन में भी डेवलप हो रही है, तो वहाँ भी इस मेडिसिन को हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है एलिवेटर, लिफ्ट में जाने से भी डर लगता है, एलिवेटर जो मॉल में सीढ़ियाँ लगी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक जो सीढ़ी लगी रहती है उस पर भी जाने से डर लगता है। इसके अलावा यहाँ पे है हर्ट डिजीज़, इस पेशेंट को हर्ट डिजीज़
का बहुत ज़्यादा डर रहता है, यानी कि उसको हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ तक कि उसको ये भी फील होता है कि अब आगे एक सिम्टम आएगा पैनिक अटैक में, पैनिक अटैक में चेस्ट पेन होता है, तो उस समय पेशेंट को लगता है कि उसको हार्ट अटैक डेवलप हो गया है। तो हार्ट डिजीज का इस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा भय रहता है, और ये सिम्टम बहुत सारे मेडिसिन में आपको मिल जाएगा। कुछ पिक्यूलियर मेडिसिन जैसे काली आर्ट्स वगैरह, जिसमें हार्ट डिजीज होने के जो भय रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ दिए हुए हैं, और कुछ अदर मेडिसिन है जिसके बारे में नेक्स्ट आए की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ब्रेन स्ट्रोक, इसका भी इस पेशेंट को फियर रहता है। फेंटिंग, ऐसा भी डर रहता है कहीं मूर्छित होकर वो गिर जाएगा। एयरप्लेन, हवाई यात्रा से भी इस पेशेंट को डर फील होता है, एयरप्लेन में ये जाना नहीं चाहता, एयरप्लेन में ये जाना नहीं चाहता, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर असहजता महसूस होती है। अर्थक्वेक, भूकंप से भी डर लगता है, अगर भूकंप आता है तो एक मिनट का जो पेशेंट होगा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये इसके जो कुछ फियर के सिम्टम थे जो काफ़ी प्रोमिनेंट है इस मेडिसिन में दिए गए हैं, और कुछ अन्य मेडिसिन में भी ये सिम्टम मौजूद हैं जिसकी चर्चा मैं आगे की वीडियो में करूँगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे सिम्टम है, फियरफुल रेस्टलेसनेस, डर है उसके साथ बेचैनी है, मानसिक बेचैनी आपको एक्यूनाइट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और अगर आप फिजिकली रेस्टलेस आपको रस्टक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, बट अगर मेंटली रेस्टलेस की बात आएगी तो वहाँ पे एक्यूनाइट और आपको आर्सेनिक भी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इस कैटेगरी में आती है, यानी कि मेंटली रेस्टलेसनेस में। अब आते हैं पैनिक अटैक, जिस पे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। पैनिक अटैक के क्या क्या यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलते हैं, जब पैनिक अटैक डेवलप होता है तो वहाँ वो जो सिम्टम मौजूद होते हैं, जो सिम्टम पेशेंट में डेवलप होते हैं, वो सिम्टम और इस मेडिसिन का सिम्टम में क्या क्या उसमें इसमें समानताएँ हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला सडन, अचानक ये डेवलप होता है, क्योंकि जो पैनिक अटैक है ये सडन इंटेंस फियर डेवलप होता है, अचानक बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना सडन डेवलप होता है, और वायलेंट बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ वायलेंसी के साथ ये डेवलप होता है। ऐसा लगता है पेशेंट को लाइक इंटरनल अर्थक्वेक, ऐसा लगता है कि अंदर एक भूकंप डेवलप हुआ है, जैसे बाहर जब भूकंप डेवलप होता है तो पूरे इस पृथ्वी को वो हिला के रख देता है, वैसा ही एक भूकंप पेशेंट को लगता है कि उसके अंदर डेवलप हुआ है। विथ पैल्पिटेशन, हार्ट बीट इसकी बढ़ जाती है, जो कि प्रोमिनेंट सिम्टम भी है पैनिक अटैक का। रेड फेस, चेहरा लाल हो जाना, वर्टिगो, चक्कर आना, परस्पिरेशन, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगना, ट्रैम्बलिंग, पूरे बॉडी में कंपन डेवलप हो जाना, और फेंटनेस, पेशेंट मूर्छित होकर गिर भी जाता है। ये सारे जो कंडीशन है जो कि पैनिक अटैक में डेवलप होते हैं, और वहाँ यहाँ पे जो सिम्टम रिलेट किया गया इस मेडिसिन में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे इसकी मोडालिटीज़ को रिलेट किया गया कि इस समय ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एग्रावेशन मिडनाइट टू 4 AM, आधी रात से लेके 4 बजे सुबह तक ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये एक बोल सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी, ऐसा जब ड्रग प्रूविंग हुई तो ऐसा देखा गया। एग्रावेशन 15 to 30 minutes आफ्टर फॉलिंग स्लीप, जब पेशेंट सोता है, सोने जाता है, सोने के 10 से 15 minutes के बाद ये सिम्टम डेवलप हो सकता है। एग्रावेशन फॉलिंग स्लीप, जैसे ही सोने जाता है तब भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। एग्रावेशन बिकम वार्म इन बेड, जैसे ही बेड पे गया, बेड गर्म हुआ, तब भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। अब कुछ अन्य कंडीशन, कुछ अन्य मेंटल सिम्टम जो कि एक्यूनाइट के पेशेंट में देखने को मिलते हैं उसको हम जानते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब कि कम बोलने वाला, अकेले ज़्यादा रहना पसंद करने वाला। एक्स्ट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप उसको बातों की बोल सकते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन होता है ये, और डिजायर कंपनी, लोगों का साथ इसको पसंद है, इसको साथ चाहिए एक्यूनाइट के पेशेंट को। और ये डिजायर जो कंपनी वाले जो सिम्टम है, एक स्टेज ऐसा भी होता है जहाँ इसको कंपनी साथ पसंद नहीं आता, ये भी सिम्टम आपको एक्यूनाइट में देखने को मिल सकता है। एनग्जाइटी अबाउट अदर, सिंपैथेटिक, दूसरे के प्रति सहानुभूति, दूसरे के लिए चिंता, ये भी आपको एक्यूनाइट में देखने को मिलता है। एक और मेडिसिन है कॉस्टिकम, जहाँ पे ये सिम्टम आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ देखने को मिलते हैं। दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा उदार होता है, उसके कारण अपने को भी प्रॉब्लम में वो पेशेंट डाल सकता है, जो कॉस्टिकम का ये सिम्टम एक्यूनाइट में भी देखने को मिलता है। अल्टरनेटिंग मूड, मूड इसका चेंज हो रहा है, पल्सेटला की तरह आप एक्यूनाइट के पेशेंट को भी देख सकते हैं कि इसका भी मूड काफ़ी ज़्यादा अल्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। कंप्लेन रिप्रोचेस, रिप्रोचेस का मतलब होता है तिरस्कार करना,
किसी ने उसका तिरस्कार किया, किसी ने उसको अपमानित किया, उससे उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को हम सोच सकते हैं। एकोनाइट का जो पेशेंट होता है क्वारलसम, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है, यानी कि झगड़ा खोजने वाला व्यक्ति, जो बात बात पे आर्ग्यू करने वाले व्यक्ति होते हैं वो एकोनाइट हो सकते हैं। मिस एंथ्रोपी एक ये भी टर्म है जो आपको रूब्रिक में ही मिल जाएगा, यानी कि इसका हिंदी होता है मानव द्वेषी, यानी कि मानव से घृणा करने वाले ऐसे ही व्यक्ति हो सकते हैं एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं। एक जो सिम्टम, जो लास्ट सिम्टम है, ओवर सेंसिटिव टू नॉइस, नॉइस यानी कि ध्वनि से भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट से भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है, और टच से, छूने से भी ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये थे इसके मेंटल सिम्टम, और ख़ासकर जब मैंने पैनिक अटैक की बात की तो पैनिक अटैक के सिम्टम भी आपको एकोनाइट में आपको देखने को मिला, लगभग पैनिक अटैक के सिम्टम भी यहाँ पे मैच हो रहे थे। बट जब पेशेंट आते हैं, जो पेशेंट का डिफरेंट सिम्टम होता है उसके अनुसार टोटलिटी बनती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास मिलें, क्योंकि ये जो सारी समस्या आपको डेवलप हो रही है उसका निदान होम्योपैथी में है, ऐसे मेंटल सिम्टम होम्योपैथी में दिए हुए हैं, और आप डॉक्टर के पास आते हैं, अपनी कंप्लेन को एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जो आपकी पहले की अवस्था थी जब आप हेल्दी थे, उस कंडीशन में आप होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा जा सकते हैं। अब हम आते हैं कि रूब्रिक, यानी कि ये तो सिम्टम थे, इसको हम रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट करें। रूब्रिक जो कि एक रिपर्टरी का लैंग्वेज बोल सकते हैं, सिम्टम को ही हम कन्वर्ट करते हैं रूब्रिक में। पहला जो रूब्रिक है, माइंड डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रेडिक्ट टाइम। दूसरा जो रूब्रिक है, माइंड फियर डेथ ऑफ प्रेडिक्ट टाइम। तीसरा जो रूब्रिक है, माइंड फियर डेथ ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। फोर्थ रूब्रिक जो है, माइंड फियर डेथ ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग। पांचवा जो रूब्रिक है, माइंड फियर क्राउड इन। सिक्स जो रूब्रिक है, माइंड फियर नैरो प्लेस इन। सेवन्थ जो रूब्रिक है, माइंड फियर ओपन स्पेस, फियर ऑफ। एट नंबर का जो रूब्रिक है, माइंड फियर डार्क ऑफ। नाइन्थ रूब्रिक, माइंड फियर एलिवेटर ऑफ। टेंथ रूब्रिक, माइंड फियर टनल ऑफ। एलेवेंथ रूब्रिक जो है, माइंड फियर हर्ट डिजीज ऑफ द हर्ट। ट्वेल्थ जो रूब्रिक है, माइंड फियर हर्ट डिजीज ऑफ द हर्ट, स्टॉप हर्ट वेन। ऐसा लगता है कि हर्ट रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा। 13 जो रूब्रिक है, माइंड रेस्टलेसनेस फियर फ्रॉम। फियर के कारण बेचैनी, मेंटल बेचैनी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। 14 जो रूब्रिक है, माइंड कम्युनिकेटिव, जिसको हम बोला, मैंने बोला था वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट को जब आप रूब्रिक टर्म में आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है कम्युनिकेटिव। 15 जो रूब्रिक है, माइंड एनजाइटी अदर फॉर, दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा इनको सहानुभूति रहती है, ये रूब्रिक उससे कोर्डिनेट करता है। 16 जो रूब्रिक है, माइंड मूड अल्टरनेट। 17 जो रूब्रिक है, माइंड मिस एंथ्रोपी। इसके अलावा अगर कोई मेंटल सिम्टम जो कि एकोनाइट में प्रोमिनेंट है, अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं, आप सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कुछ अन्य रूब्रिक हैं जो मेरे से छूट गया हो, या कुछ अन्य सिम्टम हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाया, यहाँ पे मैं नहीं बता पाया, मेरे नोट्स में वो नहीं थे, तो आप उसको ज़रूर आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसका पूरी तरह से वेलकम करूँगा। आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दूसरी मेडिसिन जो पैनिक अटैक में तो वर्क करती है, उसके साथ कुछ अन्य मेंटल कंडीशन में भी अच्छा वर्क करती है, उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।